आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स, मार्केट अभी भी इंट्राडे लोस पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की सरकारी बैंकिंग शेयर्स की, हमने फार्मा स्टॉक्स में भी अपॉर्चुनिटीज देखी। सन फार्मा एक स्टॉक है जिस पर आशीष बेट करने की सलाह दे रहे हैं। जेपी समूह में जो अच्छी तेजी है उसमें जेपी पार एक स्टॉक है जहां पर और स्टीम बचा है ऐसा आशीष मानते हैं। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद लौट कर बताएंगे इम्पोर्टेड मोबाइल्स के बारे में। इम्पोर्टेड मोबाइल्स महंगे हो सकते हैं और सरकार इम्पोर्टेड मोबाइल पर 10% ड्यूटी लगा सकती है। पूरी डिटेल्स क्या है ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है असीम मंजंदा के पास, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। असीम बताइए एग्जैक्टली क्या खबर है। देखिए, अभी जो कंपनियां जो है मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनको 12% के आसपास का ड्यूटी डिफरेंस जो है वो मिलता है, लेकिन जीएसटी आने के लागू होने के बाद ये ड्यूटी डिफरेंशियल स्ट्रक्चर जो है उनको मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि उनका जो कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो इम्पोर्ट करना जो है वो लिहाजा सस्ता पड़ेगा, लेकिन अब सरकार इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से विचार कर रही थी। IMC ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और कहा था कि जो इम्पोर्टेड मोबाइल है उससे 10 से 15% की ड्यूटी जो है वो लगाई जाए। जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय ने इसको हरी झंडी दे दिया और जल्दी इसकी घोषणा हो सकती है, इसी हफ्ते के अंदर अंदर इसकी घोषणा जो है वो की जा सकती है। 10% के आसपास इंपोर्ट जो मोबाइल इंपोर्टेड मोबाइल्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी लगाई जा सकती है। जो कंपनियां मेक इन इंडिया करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इंडिया में, करीबन 72 ऐसी कंपनियां जिसको कि इसका फायदा होगा, जो कि आने वाले दिनों में जिनको कि ड्यूटी डिफरेंशियल की वजह से नुकसान होने वाला था उनको इसका फायदा होगा। जी, तो ये असीम ने बताया है कि सरकार 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है इम्पोर्टेड मोबाइल्स पर, इसीलिए जो इनकी कॉस्ट है वो बढ़ सकती है और इसी हफ्ते नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। इंटर मिनिस्ट्रल कमेटी ने 10 से 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की सिफारिश पहले की थी और इसी सिफारिश के मद्देनज़र ये 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। और दरअसल पर्पज़ यही है कि जो घरेलू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं या फिर मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, इसीलिए ये डिसीजन लिया जा सकता है। शुक्रिया असीम आपका ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। लेकिन हमने बात की है मोबाइल हैंडसेट कंपनीज़ की, तो एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स को देख लेते हैं। और आज के सेशन में देखा भी है कि टेलीकॉम स्टॉक्स में खरीदारी दिखी है। स्पेशली आप देखिए भारतीय एयरटेल, आइडिया सेलुलर और रिलायंस कम्युनिकेशन तीनों ही अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं एक वीक मार्केट में। ये भारतीय एयरटेल और आरकॉम, इन दोनों पर स्पेशली आपका व्यू चाहिए आशीष, कैसे लग रहे हैं आपको और कहीं स्कोप आपको लग रहा है क्या नई ट्रेडिंग पोजीशंस खरीदारी की तरफ बनाने का इन तीनों में से किसी स्टॉक में? आरकॉम थोड़ा अच्छा लग रहा है, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, अपने टावर में स्टेक सेल कर रहे हैं, डेट थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं। इट लुक्स दैट द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी सीरियस टुवर्ड्स यू नो अवॉइडिंग द एनपी कैटेगरी, एनपीए का सो कॉल्ड ठप्पा लगने से बचाने के लिए बहुत सीरियस है मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं मार्केट उसको अप्रिशिएट कर रहा है। आप देखिए स्टॉक में भी एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था ऑलमोस्ट 17-18 रुपए के लेवल से और उसके बाद जो तेजी आई है मुझे लग रहा है कि ये तेजी जो इसको 22.5-23 रुपए की रेंज में लेके जा सकती है। तो अगर ये स्टॉक 21.85-21.90 के आसपास जहाँ पे अभी है वहाँ पे अगर क्लोजिंग देता ही है तो मुझे लगता है 22.5-23-24 तक के लेवल भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आना पोजिशनल बेसिस देखे जा सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें और मोमेंटम के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है आरकॉम थोड़ा ठीक है। भारतीय एयरटेल स्टिल आप देखें एक रेंज में ये है, ये स्टॉक हमने पिछले कई दिनों में देखा भी था, एक ब्रेकआउट आया था बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर एक रेंज में जाके स्टक अप हो गया। तो मुझे लगता है आरकॉम एक बेटर प्ले हो सकता है अगर आप टेलीकॉम में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो टेलीकॉम में आरकॉम एक बेटर प्ले हो सकता है। 23-24 रुपए तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन में। 2-3 दिनों में अच्छा मूव भी स्टॉक ने दिया है तो आरकॉम पर आप नजर रखकर चल सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा कंपनियां जो कि हाई डेट कंपनीज हैं लेकिन वहां पर एक्सपर्ट दिखा है। आरकॉम की ऑलरेडी हमने बातचीत की इस कड़ी में, ABG शिपयार्ड है, वीडियोकॉन है, यूनिटेक है, यहाँ भी एक अच्छा स्पर्ट है आज के सेशन में, लेकिन इन स्टॉक्स को आप अवॉइड करें वही बेहतर होगा। इसलिए इसमें आशीष का ट्रेडिंग व्यू नहीं लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू ले लेते हैं लिका स्पेस के स्टॉक्स पर। स्पेशली आज के सेशन में यूनाइटेड स्पिरिट्स और पायनियर डिस्टिलरीज दो ऐसे शेयर्स हैं जिनमें अच्छा मूव देखा गया है। ग्लोबल स्पिरिट में भी अच्छा रुझान है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर तो इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट भी आई थी गोल्डमैन सैक्स की, जिन्होंने 2700-2800 तक के टारगेट्स की बात कही है और स्टॉक करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। पायनियर डिस्टिलरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर क्या व्यू है आशीष आपका? डेफिनेटली पायनियर को आज अभी शायद अपर सर्किट में लॉक है, मुझे लगता है कि अभी उसमें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत खास है। बट मैकडॉवेल डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट की जो आप बात कर रहे हैं स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी आया, आपने भी अभी रिट्रेट किया कि एक बड़े ब्रोकरेज फर्म ने, एक बड़ी रिसर्च फर्म ने इसमें एक थम्स अप दिया है। मुझे लगता है कि तेजी थोड़ा बरकरार रहनी चाहिए। जो हमने देखा था पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे एक तेजी आई थी जो ऑलमोस्ट 2500-2600 तक के लेवल तक जाने की उम्मीद थी, वहां से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, अब इसने सपोर्ट लिया है 2250-2200
75 के जोन पे, और वहां से इसने तेजी दिखाई है। मुझे लगता है 2320 2350 तक का लेवल आप ऑन अ पोजिशनल बेसिस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स बेटर लग रहा है, अभी 2% ऊपर 2293 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब मेरे सहयोगी संदीप मौजूद है एक इम्पॉर्टेंट खबर के साथ, और वो इम्पॉर्टेंट खबर है स्पैम मैसेजेस से जुड़ी हुई। और इनफैक्ट ठीक है, हम तो बिजनेस चैनल में कामकाज करते हैं संदीप, लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड नहीं है, आई एम श्योर उनके पास भी ना ढेरों मैसेजेस सुबह से शाम तक जाते होंगे कि आप ये स्टॉक खरीदिए। इस तरह के स्पैम मैसेजेस बहुत बड़ा इशू है, और शायद इसी पर सेबी की नजर अब सख्त है, काफी सख्त हो रहा है सेबी अब इस चीज को लेकर, जो फेक एसएमएसएस जा रहे हैं लोगों के पास। इनफैक्ट ट्राई और उसके साथ साथ जो मुंबई पुलिस है, इन दोनों को चिट्ठी लिखी है सेबी ने, और उन दोनों की जो मदद है वो लेने की कोशिश अब सेबी कर रहा है इस पूरे मामले में। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनऑथराइज या तो फिर फेक एसएमएसएस भेजते हैं, और उसमें जो कुछ बड़े ब्रोकिंग हाउसेस हैं जिसमें मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटी जैसे नाम सामने आए हैं, जिनके नाम पर ये एसएमएसएस भेजे जाते हैं, इन दोनों ब्रोकिंग हाउसेस ने इस चीज से इनकार किया। इनफैक्ट ये जो एसएमएसएस है उसको लेकर ये ब्रोकिंग हाउसेस कंसर्न है, और उस पर इन्होंने सेबी का दरवाजा खटखटाया था, उनको शिकायत की थी कि उनका नाम लेके ऐसे जो फेक एसएमएसएस हैं वो भेजे जा रहे हैं। यही कारण था कि अब सेबी काफी ज्यादा एक्शन में आया, जिस पर उन्होंने मुंबई पुलिस और उसके साथ साथ ट्राई की जो मदद है उसकी मांग की है। दरअसल सेबी ये चाहता है कि ट्राई एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप करे, जिसमें ट्राई के पास कुछ जो एक स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं वो चुनने का विकल्प हो, और इन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे वो एसएमएस डिलीवर होगा नहीं होगा वो फैसला जो है वो ट्राई ले। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो अनऑथराइज एसएमएसएस भेजे जा रहे हैं, जो फेक एसएमएसएस हैं, उस पर रोक लगाने की सेबी की अब मंशा है, क्योंकि ब्रोकिंग हाउस ने शिकायत की है, और ट्राई और उसके साथ साथ मुंबई पुलिस, इन दोनों की मदद अब सेबी मांग कर रहा है इस मामले में। बिल्कुल, और इंपॉर्टेंट है भी ये, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेबी अब सख्त है जो फर्जी स्टॉक टिप्स हैं उनके ऊपर। इसी सिलसिले में ट्राई और मुंबई पुलिस से भी सेबी ने मदद मांगी है। इससे जुड़ी जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आगे वो हम आपको बताएंगे। शुक्रिया आपका संदीप इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इस बीच दो स्टॉक्स आप क्विकली देख लीजिए, एक तो एबी नोवो और ग्रासिम, इन दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती आज के सेशन में रही है। ओवर वीकेंड हमने देखा भी था कि आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज की एक एनालिस्ट मीट में थी, जिसमें उन्होंने आगे तक की गाइडलाइन शेयर की, और उन्होंने कहा है कि अगस्त में जो फाइनेंशियल सर्विसेज आम है उसकी वो लिस्टिंग कराएंगे। और इसी डेवलपमेंट के बाद हमने देखा है कि आज कई हाउसेस की ओर से रिपोर्ट आई है, जेपी मॉर्गन ने भी जो ग्रासिम है उसके टारगेट को इंक्रीज किया है, और कहा है कि जो अगस्त में फाइनेंशियल सर्विसेज आम की लिस्टिंग होगी उससे फर्दर वैल्यू अनलॉक होगी, और इसीलिए दोनों स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। क्विकली ग्रासिम पर क्या व्यू है आपका आशीष? नहीं, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। ग्रासिम में आज एक ब्रेकआउट आया है, वो 1200 रुपए के ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अब कुछ 1187 के ऊपर का ब्रेकआउट था और हमें काफी अच्छा लग रहा है अभी भी ये स्टॉक। मुझे लगता है 1225-1235 तक के लेवल आपको ग्रासिम में देखने के लिए मिल सकते हैं। शुक्रिया आपका आशीष शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स अपने व्यूज देने के लिए। तो ग्रासिम अच्छा लग रहा है, यहाँ से और मजबूत हो सकता है।